दोस्तों क्या आप भी अपना घर बनाने की सोच रहे हैं और आपको कंस्ट्रक्शन फील्ड से जुड़ी हुई कोई भी नॉलेज नहीं है तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में कंस्ट्रक्शन फील्ड से जुड़ी हुई बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बताने वाला हूँ। घर को बनाते समय क्या क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना है वो आपको पूरी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताऊँगा। और अगर आप सिविल इंजीनियर हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत ही अच्छा नॉलेज मिलेगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले जो आपको ध्यान देना है वो प्लिंथ बीम के ऊपर ध्यान देना होता है आपको। प्लिंथ बीम की जो हाइट है वो 2.5 फीट से कम नहीं होनी चाहिए। दोस्तों क्या होता है कभी कभी जो प्लिंथ बीम की हाइट है वो कम हो जाती है, कम कर देते हैं जो ठेकेदार होते हैं और उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। रोड लेवल और प्लिंथ लेवल जब एक सा हो जाता है तो बाद में फिर पानी की दिक्कत आती है, पानी आता है वहाँ से और भी दिक्कतें आती हैं दोस्तों। तो हमेशा ध्यान रखें जो प्लिंथ बीम की हाइट है वो 2.5 फीट से ज़्यादा ही रहे और कम ना हो दोस्तों। और दूसरी चीज़, एक प्लिंथ बीम ऊपर होनी चाहिए और दूसरी नीचे टाई बीम भी होनी चाहिए दोस्तों। टाई बीम हमेशा डलवानी चाहिए। क्या होता है अधिकतर केसों में टाई बीम नहीं डाली जाती है दोस्तों, ये ध्यान रखें कि टाई बीम हमेशा डलवानी चाहिए, उससे बाइंडिंग हमारी अच्छी हो जाती है पूरे घर की। दोस्तों प्लिंथ बीम की ढलाई कराते समय आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि आपको डॉक्टर फिक्सेट का केमिकल एडमिक्सचर जरूर मिलवा लेना है, जिससे आपको आगे जाकर के कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, किसी भी प्रकार का मॉइस्चर कंटेंट नहीं आएगा आपके घर को और सीपेज से भी दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों। और साथ साथ आप चाहें तो इस पर टर्माइट भी डलवा सकते हैं, टर्माइट जिससे फ्यूचर में जाकर कोई भी दिक्कत नहीं झेलनी पड़ेगी आपको बाद में। दोस्तों दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, आपको जो हाइट होती है हमारी पार्किंग की हाइट हमेशा कम रखनी चाहिए और जो घर हमारा स्टार्टिंग होता है जहाँ से हम अंदर होते हैं एंट्रेंस होता है वहाँ की हाइट हमको ज़्यादा रखनी है। मान के चलिए ये हमारी पार्किंग है तो पार्किंग से हमारी जो हाइट है वो थोड़ी सी ऊपर होनी चाहिए दोस्तों, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। इससे आपको अच्छा लुक मिलेगा अपने घर पर, एक रॉयल लुक आपको मिलता है। तो नेक्स्ट जो आपको ध्यान देने वाली बात होती है वो होती है जीने की, क्योंकि जीना स्टेयर केस हमारा सबसे इंपॉर्टेंट होता है घर के लिए, तो हमेशा उसमें ध्यान देना आपको ये है कि दोस्तों जो हमारा जो राइजर होता है इसकी साइज़ जो है वो हमेशा 6 इंच, 6.5 इंच या 7 इंच तक होनी चाहिए। और जितने भी आपके राइजर बने हैं यानी कि जितने भी टप्पे आपके सीढ़ी के बने हैं सभी का साइज़ एकदम एक्यूरेटली सेम होना चाहिए, किसी का भी साइज़ छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए दोस्तों, तो इसका हमेशा आप ध्यान रखें। दोस्तों नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉलम शिफ्टिंग के बारे में। दोस्तों ये मिस्टेक बहुत कॉमन है, सभी जगह होती है लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं देता है, पर दोस्तों इस पर हमेशा ध्यान देना चाहिए। कभी भी कॉलम को शिफ्ट नहीं कराना चाहिए, उसकी जो रॉड है नीचे से जो रॉड आई हुई है दोस्तों उसको कभी भी शिफ्ट नहीं कराना चाहिए जैकल मार के, जैसे यहाँ पे करा दिया गया है कि जैकल मार के रॉड को शिफ्ट कर दिया है दोस्तों, इससे कॉलम की स्ट्रेंथ पूरी की पूरी ख़त्म हो जाती है, कोई भी मतलब नहीं निकलता कॉलम का नीचे से ऊपर तक लेके आने का। इस कॉलम शिफ्टिंग से बचने के लिए दोस्तों लेआउट अच्छे से करें, लेआउट पर पूरा ध्यान दें और अच्छे से बार बार चेक करने के बाद ही लेआउट करके कॉलम को डलवाएं। तो दोस्तों चलिए अब आ जाते हैं ब्रिक वर्क पे। जो हमारी जुड़ाई का और चनाई का काम होता है उसको भी हमेशा ध्यान से कराना होता है। अब जैसे कि जो साहुल का यूज़ होता है वो कई बार लोग गलत कर देते हैं, जो मिस्त्री होते हैं जो अनस्किल्ड मिस्त्री होते हैं वो अच्छे से साहुल का यूज़ नहीं करते, जिससे दीवार जो है वॉल है हमारी वो पूरी लहरा जाती है। तो दोस्तों इसको आप अच्छे से ध्यान दें, साउल का यूज़ अच्छे से करवाएं, जिससे आपकी वॉल अच्छी फिनिश और अच्छे से वेल मेंटेन आए। अब दोस्तों साउल का आपको अगर यूज़ अच्छे से जानना है तो मैंने वीडियो बनाई हुई है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप जाके देख सकते हैं। और दोस्तों जहाँ कहीं पर भी 4 इंच की पार्टीशन वॉल आती है वहाँ पर हमको DPC देना ज़रूरी होता है, DPC हमेशा देना ही होता है। कई बार ठेकेदार क्या करता है कि DPC नहीं देता और सीधी वॉल उठा देता है, तो दोस्तों ये चीज़ें गलत होती हैं, आपको DPC हमेशा डलवानी है। 3 फिट हाइट पर या 3.5 फिट हाइट पर आप DPC दे सकते हैं। DPC देने से दोस्तों एक तो सीपेज नहीं आता है और दूसरी चीज़ दोस्तों बाइंडिंग जो है वॉल की वो अच्छी हो जाती है और मजबूती अच्छी आ जाती है आपकी ब्रिक वर्क पर। तो दोस्तों हमेशा ध्यान दें कि DPC हमेशा डलवाएं जहाँ पर भी आप ब्रिक वर्क करा रहे हों। ये तो हो गया DPC। अब दोस्तों लिंटन बीम भी डाली जाती है ब्रिक वर्क के साथ, 7 फीट हाइट पर जो बीम डाली जाती है उसे लिंटन बीम कहा जाता है। तो दोस्तों उसका भी आप ध्यान दें, उसको भी अच्छे से डलवाएं, पूरी लिंटन बीम को अच्छे से चेक कर लेने के बाद ही आप आगे का काम करवाएं दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों आपको चेक करना होता है कंक्रीट का जो मसाला है उसका प्रोपोर्शन बिल्कुल सही हो, अगर उसका प्रोपोर्शन सही ना हो तो दोस्तों कुछ इस प्रकार के हनीकॉम आ जाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ ख़राब कर देते हैं हमारी बिल्डिंग की, हमारे घर की। तो दोस्तों हमेशा इसका ध्यान रखें, अगर दोस्तों
इसको रिपेयर करने की आपको टेक्निक जानना हो तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, आप इसको देख सकते हैं कि कैसे रिपेयर किया जाता है ये जब हनीकॉम आ जाते हैं। मसाले का जो प्रोपोर्शन होना चाहिए, यानी कि कंक्रीट जो हमारा होता है, कंक्रीट का जो प्रोपोर्शन होता है वो M20 चलना चाहिए कंक्रीट में, यानी कि बीम जब हम डलाते हैं या कॉलम डलाते हैं तो M20 का कंक्रीट हमको यूज़ करना है। 1:1:3 उसका रेशियो होता है। प्रैक्टिकल भाषा में बात करें तो 1 तसला सीमेंट, 1.5 तसला रेती और 3 तसला गिट्टी होना चाहिए। दोस्तों ये तो हो गया कंक्रीट के बारे में, चलिए अब जानते हैं कि स्लैब के ढलाई के पहले आपको क्या क्या चेक करना होता है। जब भी कोई भी स्लैब डलाते हैं तो स्लैब डलाने से पहले हमको 3 चीज़ों को अच्छे से चेक कर लेना होता है। सबसे पहले लोहा को चेक करना होता है, स्टील को चेक करना होता है अपने, सेकेंड नंबर पे हमारे शटरिंग को चेक करना होता है, जो भी सेंटिंग हमने लगाई है वो सेंटिंग को पूरा चेक करना होता है, उसका लेवलिंग डायल सब चीज़ें चेक करनी होती है, और उसके बाद जो तीसरी चीज़ है वो हमारी इलेक्ट्रिक फिटिंग चेक करनी होती है, इलेक्ट्रिक फिटिंग सही है कि नहीं, सभी चीज़ें हमको चेक करनी होती है। तो दोस्तों आइए देखते हैं कैसे चेक करते हैं लोहे को। तो दोस्तों लोहे को चेक करने के लिए सबसे पहले आपको इसकी स्पेसिंग चेक कर लेनी है कि एक सरिये से दूसरी सरिये की स्पेसिंग कितनी है और इसमें प्रॉपर L लगे हुए हैं कि नहीं। दोस्तों L का मतलब होता है डेवलपमेंट लेंथ, जो कि प्रोवाइड की जाती है स्लैब में अच्छी स्ट्रेंथ के लिए। अगर आप डेवलपमेंट लेंथ के बारे में जानना चाहते हैं तो मैंने उसके लिए प्रॉपर एक वीडियो बनाया हुआ है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और दोस्तों साथ में आपको चेक करना है कि 1-way और 2-way स्लैब कहाँ कहाँ पर है। 1-way स्लैब में एक ही तरफ से क्रैंक उठे होते हैं और 2-way स्लैब में दोनों तरफ से क्रैंक होते हैं। दोस्तों हमको चारों तरफ देख ये चेक कर लेना है कि स्लैब हमारे प्रॉपर बंधा हुआ है कि नहीं, लोहे की जो बनाई हुई है वो प्रॉपर हुई है कि नहीं। जो ड्राइंग में दिया गया है कि यहाँ पे प्रॉपर 1-way स्लैब आना है वहाँ 1-way आया है, और जहाँ पे 2-way आना है वहाँ 2-way आया है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट हम चेक करते हैं लेवलिंग, जो शटरिंग हमारी सेंटिंग लगी हुई है उसकी हमें लेवलिंग चेक करनी है। तो उसके लिए एक तो हम सीधा धागा बांध लेते हैं, जो हमने नीचे से लेवल का पॉइंट उठाया होता है उससे हम सीधा एक धागा बांध लेते हैं, और उसके बाद हम पॉइंट टू पॉइंट चेक करते हुए चलते हैं कि कहाँ पे लेवल अप है और डाउन है। तो लेवल को आपको पूरा सही से करा लेना है लेवलिंग, और जहाँ भी आपको ढाल निकालना है, जैसे एक तरफ ढाल देना होता है स्लैब में जिससे पानी वगैरह कुछ भी नहीं रुके, तो उसके लिए आपको जो इसमें ढाल देना है वो 1-1 इंची डाउन करते हुए आप यहाँ पर ढाल दे सकते हैं। तो ये ढाल भी पूरा चेक कर लेना चाहिए दोस्तों, क्योंकि बाद में जाके ये प्रॉब्लम देता है। दोस्तों प्रॉपर लेवलिंग हो जाने के बाद आपको आउटर साइड लगवा लेनी है, पूरी आउटर साइड भी आपको चेक करना है कि आउटर साइड लग गई है कि नहीं, और उसके बाद आपको इसकी कास्टिंग चालू करानी है। तीसरी चीज़ जो चेक करने की है दोस्तों वो है हमारी इलेक्ट्रिक फिटिंग। जो भी इलेक्ट्रिक फिटिंग आनी है उसको आपको चेक कर लेना है प्रॉपर कि इलेक्ट्रिक फिटिंग जहाँ जहाँ आपने पॉइंट लेना चाह रहे हैं स्लैब में वहाँ वहाँ पॉइंट आपको मिल गए हैं, पूरे पॉइंट आपको चेक कर लेना है इलेक्ट्रिक फिटिंग के, उसके बाद ही आपको कास्टिंग करानी है। दोस्तों इसके साथ आपको चेक करना होता है कि ब्रेसिंग अच्छे से हुई है कि नहीं। ब्रेसिंग का मतलब दोस्तों जो बल्ली लगी होती है हमारे स्लैब को सपोर्ट देने के लिए, वो अच्छे से एक दूसरे से बाइंड की गई है कि नहीं की गई है, क्योंकि दोस्तों जब स्लैब ढलाई होती है तो एकदम से लोड आता है, उसके कारण बल्ली नीचे से हिल जाती है या डिसलोकेट हो जाती है, इसके कारण स्लैब कोलैप्स का डर होता है। तो दोस्तों सेफ्टी पर्पस से ब्रेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ब्रेसिंग हमेशा करा लेनी चाहिए स्लैब की ढलाई चालू कराने से पहले। और दोस्तों जहाँ जहाँ भी छोटे छोटे खांचे बन जाते हैं, छोटे छोटे जगह बच जाती है शटरिंग में, उसको भी पैक करा देना चाहिए अच्छे से। साथ में दोस्तों प्लाई में टेपिंग कराना चाहिए, टेपिंग कराने से जो फिनिशिंग होती है स्लैब की वो बहुत इंक्रीज हो जाती है, स्लैब पर जॉइंट्स बिल्कुल भी दिखाई नहीं देते हैं कास्टिंग के बाद। तो दोस्तों टेपिंग हमेशा कराना चाहिए। इसके साथ साथ आपको ऑयल का यूज़ हमेशा करना चाहिए। कास्टिंग के पहले आपको पानी में ऑयल मिलवाकर, जला ऑयल जो होता है नॉर्मली, वो ऑयल आपको लगवा देना है पूरी स्लैब पर। तो दोस्तों इससे आपकी फिनिशिंग बहुत इंक्रीज हो जाएगी। इतना सब हो जाने के बाद दोस्तों आपको कास्टिंग चालू करानी है, ढलाई चालू करानी है। ढलाई के वक्त आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि वाइब्रेटर अच्छे से चल रहा हो और प्लेट कॉम्पैक्टर अच्छे से चल रहा हो। दोस्तों जो भी हमारे स्लैब को डालते समय जो भी अंदर उसमें बबल्स वगैरह बन जाते हैं, एयर बन जाती है, उन एयर के कारण जो हनीकॉम्स आते हैं, वाइब्रेटर उन पूरी एयर को बाहर निकाल कर हनीकॉम को नहीं आने देता है। तो दोस्तों वाइब्रेटर हमेशा चलवाना चाहिए अपने स्लैब में, अच्छे से वाइब्रेटर चले, आपको ये चीज़ ध्यान रखना। दोस्तों ढलाई हो जाने के बाद जो सेंटिंग खुलने का जो समय होता है वो लगभग 15-20 दिन होता है। 15-20 दिन के पहले आपको सेंटिंग नहीं खुलवानी है, इससे आपकी स्ट्रेंथ लॉस हो सकती है, इसलिए 15-20 दिन के बाद ही सेंटिंग को खुलवाना चाहिए। तो गाइस ये थी हमारी वीडियो,
आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो सिविल इंजीनियर हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, हम इसी प्रकार से सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड वीडियो कंटेंट अपने चैनल पर अपलोड करते हैं। और दोस्तों, अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, और कुछ चीज़ जो मैं इसमें ना बता पाया हूँ, तो वह आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसके लिए भी एक वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों, वीडियो ख़त्म करते हैं, मेरे बारे में भी जान लीजिए। मेरा नाम है शिवांश, मैं हूँ आपके चैनल का होस्ट।